हाल ही में मेरी बच्ची सारा कलकत्ता में चेस बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लेकर आई है। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि तेलंगाना से जो गोल्ड मेडल आया है हैदराबाद के लिए, ये बहुत बड़ी खुशी है। और बच्ची खैरताबाद से निकली है, खैरताबाद का नाम रोशन कर रही है। मैं चाहता हूँ हुकूमत से भी कि उसको इतना सपोर्ट मिले कि आगे चलकर ओलंपिक में भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ले। और मैंने हाल ही में कोलकाता में वर्ल्ड चेस बॉक्सिंग मिनिएचर चैम्पियनशिप हुआ है, उसमें मुझे गोल्ड मेडल आया है। और मैंने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एंड आई वॉन देयर अ गोल्ड मेडल एंड वॉन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल। इस सब में थैंक्स माय फादर मिस्टर अक्षरुद्दीन कुरैशी को देता हूँ, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया और मैं स्पॉन्सर्स के लिए कितने साल से कर रहे हैं आप ये गवर्नमेंट से क्या आपको अरे सपोर्ट नहीं मिला है, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे, टीआरएस गवर्नमेंट सपोर्ट करे, जो भी है मुझे सपोर्ट करे। और मैं पिछले 8 सालों से बॉक्सिंग कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं बचपन से ही बॉक्सिंग कर रही हूँ। मेरे फादर ने मुझे बचपन से ही उस खेल में जाने का मौका दिया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और मेरे जो कोच हैं मिस्टर दुर्गा प्रसाद सर, उनका भी बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस पोजिशन पर हूँ। ये चेस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप कोलकाता में हुआ था, ये जो है ना इसका सिलेक्शन पहले तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु में हम बताए थे, तमिलनाडु में नेशनल लेवल में हम दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया था तेलंगाना की तरफ से। उसके बाद हम लोग को वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सिलेक्शन हुआ, हम लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है ना कोलकाता में खेले, मेरे को सिल्वर आया है माइनस 85 वेट कैटेगरी में, सारा के 100 माइनस 85 वेट कैटेगरी में वुमेन में सीनियर वुमेन में। और मैं जो सो 5 साल से कर रहा हूँ, मैं दुर्गा प्रसाद सर का स्टूडेंट हूँ, मैं विक्ट्री प्लेग्राउंड में, हम दोनों भी विक्ट्री प्लेग्राउंड में बॉक्सिंग सीखते हैं। ये जो चादरगढ़ पे विक्ट्री प्लेग्राउंड है हमारे, वो सब जो है नेशनल लेवल के कोच हैं और प्रेजेंटली वो पटियाला में हैं, और हम लोग जो है ना वहीं तक गवर्नमेंट से क्या आप, हम गवर्नमेंट से फाइनेंशियली असिस्टेंस चाहते हैं, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं सभी को जो है ना डाइट का और जो सो जो भी फैसिलिटी चाहिए, ग्लव्स वगैरह हर चीज़ जो इक्विपमेंट चाहिए, मटेरियल जो चाहिए, उसके लिए बहुत सारा खर्चा होता है। और उसके लिए जो है ना हम लोग जो है ना फाइनेंशियली वी आर नॉट दैट मच गुड टू यू नो पूरा करने के लिए।